यकबसता हवाओं का राज शुरू होते ही शहरियों ने सूप स्टॉल्स का रुख कर लिया। गरम गरम सूप से उठने वाली भाप सभी दिलों को ललचा रही है। हर कोई सर्दियों की इस खास सौगात से लुत्फानंदोज होने के लिए बेताब नजर आता है। सर्दी देखें आगे शुरू हो रही है तो हो गई है तो सूप पीना चाहिए। फ्रेंड के साथ इधर आते हैं हम, इनका टेस्ट काफी अच्छा है। सर्दियों का मौसम चल रहा है इसलिए सूप का हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें सर्दी से भी बचाता है और हमारे जिस्म के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सर्दी का तोड़ है ये, सर्दी लगने नहीं देता। वैसे भी जिस्म को इसके लिए जरूरत है जिस्म की। दुकानदार भी कारोबार में इजाफे पर नहायत खुश हैं। कहते हैं सूप की डिमांड को पूरा करने के लिए कई घंटों की मेहनत दरकार होती है। चिकन की यखनी पहले निकाल के इसमें डालते हैं तो इसको कम से कम एक घंटा लग जाता है बनाने में। इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह वेजिटेबल्स होती हैं, कॉर्न होती है, इस तरह एग वगैरह डाल के इसका जो है लिक्वर तैयार होता है और बाद में इधर जो है हम सॉसेज वगैरह चिकन अंडा वगैरह डाल के इसको तैयार करके देते हैं कस्टमर को। मुख्तलिफ अज्जा से तैयार किया गया सूप अंडा और मुख्तलिफ साज मिलाकर पीने से इसका मजा भी दुबला हो जाता है। नवम्बर की सर्द रातों में शहरी दोस्तों और बच्चों के हमरा सूप को एंजॉय करने के साथ साथ सर्दी का तोड़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरामैन राणा जैन के साथ हसन अमान, आज न्यूज़ लाहौर।